सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक्टीरियल एवं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक टेबलेट, जिसे हम इसके मूल कंपोजिशन नेम सेक्नाइडाजोल टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह जो सेक्नाइडाजोल टेबलेट है, यह आपका दवा का मूल एवं कंपोजिशन नेम हो जाता है। अगर हम इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका सेक्निल फोर्ट टेबलेट एवं स्नाइडा टेबलेट हैं। तो ये दोनों इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट आप इसे इसके मूल कंपोजिशन नेम सेक्नाइडाजोल के नाम से याद रख सकते हैं। यह जो सेक्नाइडाजोल टेबलेट है, यह आपको कॉमनली 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एवं 1000 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो अगर हम इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट के यूजेज की तरफ चलते हैं विस्तार से, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनके स्टमक में किसी भी टाइप का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, जैसे कि व्यक्ति के अगर इंटेस्टाइन में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, लीवर में अगर हो गया हो, किडनी में हो गया हो, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह सेक्नाइडाजोल टेबलेट प्रयोग में लिया जाता है। पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल जिनके पेल्विक एरिया में किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वह फीमेल के वेजाइना में हो गया हो, यूटेरस में हो गया हो, या फिर फैलोपियन ट्यूब में हो गया हो, या फिर ओवरी में हो गया हो, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह सेक्नाइडाजोल टेबलेट प्रयोग में लिया जाता है एवं महिला के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिनके हार्ट में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, ब्रेन में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया हो, एवं व्यक्ति के लंग्स में अगर किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह सेक्नाइडाजोल टेबलेट प्रयोग में लिया जाता है। पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। समटाइम्स इसका प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पर अगर पैरासाइटिक कोई इन्फेक्शन देखा जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यह सेक्नाइडाजोल टेबलेट प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ पर भी काफ़ी टाइम से इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। अगर हम इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की ओर चलते हैं, तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में व्यक्ति को नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति को दस्त लग सकता है, व्यक्ति के कुछ टेस्ट में बदलाव आ सकते हैं, या फिर व्यक्ति के मुंह में और जीभ में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति के एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट सा लग सकता है, या फिर एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो सकती है, मतलब व्यक्ति का पेट दर्द भी हो सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, बट हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले, तो फर्दर आप इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट का प्रयोग लेना बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। यूजेज और साइड इफेक्ट जान लेने के बाद, अगर हम इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट के डोज की बात करते हैं, कॉमन डोज की बात करते हैं एक एडल्ट पेशेंट के लिए, तो इसकी जो कॉमन डोज होती है वह आपका 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से प्रयोग में दिया जाता है, और कॉमनली इसे 5 डेज तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट का प्रयोग हमेशा खाना खाने के बाद करें, तो आप इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कभी भी आप इसका प्रयोग खाली पेट ना करें, हमेशा खाना खाने के बाद ही प्रयोग में लें, और डॉक्टर इजीली इसे दिन में एक बार या दो बार भी, या फिर डिवाइडेड डोज में 3 बार भी आपको प्रयोग में लेने की सलाह दे सकते हैं। तो वह आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो के लास्ट में अगर हम इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट के सेफ्टी एडवाइसेस की ओर चलते हैं, तो इसके सेफ्टी एडवाइसेस में तो मैं यही बताऊँगा कि आप इसका प्रयोग OTC के रूप में ना करें, किसी भी टाइप के पेशेंट के लिए ना करें, और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को अपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं अपने प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि डॉक्टर आपको अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है इस सेक्नाइडाजोल टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप
अपने दोस्त किशन के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।